नमस्कार जी, मैं नीता कुमारी, नेचुरोपैथ न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाती हूँ। हमारे पास पेशेंट आया है, तो बाद में इनसे बात कराऊंगी। इनको काफी सारा, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जलन हो रही थी सीने में इनको, इनसे पीठ में इतना दर्द था, इनसे हिला नहीं जा रहा था, ये काफी घबरा गई थी। तो इनको अभी दूसरा ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं। इनको अभी ट्रीटमेंट बताती हूँ क्या दिया था, उसके बाद इनसे बात कराएंगे हम। तो इनको हमने चेक किया तो नाभि इनकी गिरी हुई थी, नाभि इनकी अपसेट थी। सबसे पहले मैंने इनकी नाभि सेट की है, तो बताती हूँ कैसे की है। देखिए, हम पेट पे ऐसे हल्का सा पाउडर लगाएंगे इनको, ऐसे करके रहने, पाउडर लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए, अपने हाथ से इनको, पहले उनकी नाभि सेट की है। इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इनको काफी ज्यादा काफी टाइम से कब्ज है। ये देखिए, पूरा हमने ऐसे करके इनको घिसा है। ये देखिए अपनी हथेली से, इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इनका पेट साफ नहीं हो रहा था, उसकी वजह से भी इनको भारी भारी लग रहा था, जैसे इनको लग रहा था सांस नहीं आ रही है, सीने में जलन हो रही है। ये देखिए, ये हमने पूरे पेट पे इस तरह से हमने ये किया था। उसके बाद हमने इनको नाभि सेट की है इनकी। देखिए, हमने ये देखिए, अंगूठे दिखाना, ये देखिए इनके अंगूठों का कितना फर्क है, ये बड़ा और ये छोटा है। इसका मतलब इनकी नाभि रात को भी सेट की थी, मगर इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, इधर मैंने एक यहाँ पे पैर लगा लिया इनका, ऐसे करके पैर पकड़ा हल्का सा, ऐसे करके हल्का सा जरक देना है, बिल्कुल जोर से खींचना नहीं है, चूल्हा निकालना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, हल्का सा ऐसे करके जरक दिया, ठीक है। उधर से आइए आप, उधर से। इसके बाद ये देखिए, हमने ऐसे अपने हाथों को, ऐसे उंगलियों को रखा उनके पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ के। ये देखिए, 30 सेकंड के लिए हम ऐसे करके रखेंगे। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाएगा पूरा, जिससे इनका डाइजेशन भी ठीक होगा और जो इनकी नाभि की प्रॉब्लम है धर्म की, वो भी सेट होगी। फिर नीचे रखेंगे, फिर दोबारा उठाएंगे। ये प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इनको जोड़कर देखेंगे कि सेट हो गई है। अब दिखाइए जरा, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रक्रिया से तुरंत देखिए फर्क पड़ जाता है। तो मैंने तो अब दूसरी सिटिंग दी है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने इनको उल्टा लटाया, जैसे कि इनको लग रहा था इनको सांस की दिक्कत आ रही है, सीने में जलन हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इनके कपड़ों को सेट करेंगे, इस तरह से घिसाई की हमने। ये देखिए, एक जगह पे कम से कम 10 बार करेंगे, पूरी पीठ पे इस तरह से करेंगे। घर पे किसी को भी परेशानी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हालात ऐसे चल रहे हैं, इसलिए हर कोई घबरा जाता है, मगर हमारा खान पान अच्छा ना होने की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। ये देखिए, पूरी पीठ पे मैंने कम से कम 5-7 मिनट घिसाई की है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि इनको बैक पेन थी ना बहुत पुरानी, इसकी वजह से भी इनको परेशानी हो रही थी। उसके बाद हम ये ऐसे करके 2 कुर्सियों की सपोर्ट लेंगे। ये देखिए, अपनी एड़ी से, ये देखिए एड़ी ऐसे रखेंगे। ये देखिए, पूरा वेट अपना उन पे नहीं डालना है। ये देखिए ऐसे करके इस तरह से हम कम से कम 15-20 बार करेंगे। फिर इनकी कमर की ये जगह उस पर करेंगे घिसाई ऐसे करके। ये देखिए, इतनी तेजी से हमें यहां से यूं रगड़ना है, ब्लड संचार अच्छा करना है और कोई भी परेशानी नहीं है। ये देखिए, इतने आसान से ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको ऐसे लेटाया, देखिए ये जगह है ना, इसको कांच बोलते हैं, कांच बोलते हैं बगल में, यहाँ पे हमने ऐसे करके घिसाई भी देगी। देखिए, कम से कम 12 बार घिसाई देंगे यहाँ पे। ये उसमें जो इनकी छाती में जलन हो रही थी, जो इनको दिक्कत हो रही थी ना,
उसने काफी आराम मिला इनको, ये देखिए। उसके बाद ये छाती के बीचों बीच ये देख, पांच छह बार इधर, पांच छह बार इधर, इतना सा भी अगर आप कर पाएंगे खुद के लिए तो आपको काफी आराम मिलेगा। आइए आप बैठिए मैडम जी, आराम से उठिएगा साइड लेके, अब बैठिए यहाँ पे। अभी कैसा लग रहा है आपको? मेरे को ना कल बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, कल इन दिन से ट्रीटमेंट लिए, कल से ना बहुत आराम मिला है मुझे, फिर आज और फिर लिए मैंने। अभी ठीक लग रहा है? जैसे वो सांस की दिक्कत हो रही थी। नहीं नहीं मुझे तुम्हें लग रहा था अस्पताल चले जाए तो? नहीं, अस्पताल से अच्छा मुझे यहाँ पर बहुत आके अच्छा लगा है। हॉस्पिटल में तो कोई जगह नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आपके पास आने से मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम थी और इनकी नाभि की प्रॉब्लम थी, ये मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको ट्रीटमेंट बताया है। एक एक करके जैसे हम टाइम पे कम से कम एक घंटे का ट्रीटमेंट लगता है, तो ये ट्रीटमेंट भी अगर आप घर पे कर सकते हैं तो काफी आपको रिलीफ मिलेगा। नमस्कार।